बैक टू माई चैनल सुपर ग्लॉसी गर्ल। सो गाइस आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये लुक है ईद का। बहुत ही लाइट सा, बहुत ही सिंपल सा ये लुक मैंने क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छा लगे। गाइस अगर आपको ये लुक क्रिएट करना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्या पता ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हो, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को ईद मुबारक, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि मैंने लुक क्रिएट कैसे किया है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं लगाया, ये पिंपल्स हो गया था, अभी थोड़ा सा सूखा हुआ है। और आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी फैन की, यानी कि पंखे की, तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। बट अगर मैं पंखा नहीं चलाऊंगी तो जो मेकअप है ना वो लगाते लगाते ही बह जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्किन केयर जो मैंने किया है, थोड़ा किया है, मतलब अच्छे से नहीं किया है, इसलिए फेस है थोड़ा सा रफ लग रहा है। तो गाइज आपको मैं शेयर करूँ तो ये मैं रिंग निकाल दूँ, आपसे शेयर करूंगी कि ईद लुक कैसे करें। तो गाइज आप स्किन केयर जरूर करें, ठीक है। तो स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। मैं क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले हम लेंगे ये मॉइस्चराइजर, कोई सा भी आप ले सकते हैं मॉइस्चराइजर। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइजर नहीं, आप नहीं यूज करते, और कभी कभार फेस्टिवल में थोड़ा बहुत फेस पे कुछ लगाते हैं, तो आप ले लीजिए एलोवेरा जेल, ठीक है। बहुत इजी सा मैं बताऊंगी, कोई तामझाम नहीं बताऊंगी, सिंपल सा। और ये है माई ग्लैम का, मनीष मल्होत्रा का। गाइज माई ग्लैम पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और प्राइस भी आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से अप्लाई कर लेंगे गाइज, क्योंकि ईद जो है वो दिन का फेस्टिवल है। तो गाइज क्योंकि हम ईद में घूमने जाते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं, दावत पे जाते हैं और दिन में जाते हैं, तो हमारी जो स्किन है वो सन के, सन के कॉन्टेक्ट में तो आनी ही आनी है, तो इसलिए हम यूज करेंगे सनस्क्रीन। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं गाइज, किसी भी ब्रांड का। ये मेरी थोड़ी स्किन सेंसिटिव है और ये स्किन पे मेरे सूट कर रहा है। ये है हमारा डर्मडॉग का सनस्क्रीन, ठीक है, थोड़ा सा लेंगे। गाइस आजकल गर्मी है, मैं आपको एक टिप भी दे दूं, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है, जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो निकालते हैं ना वो भी थोड़े गर्म रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, कभी भी प्रोडक्ट डायरेक्ट फेस पे मत लगाइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो आप हाथ पे निकालिए, हाथ पे निकालने के बाद लगाइए थोड़ा सा टेम्परेचर में आने पे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है प्रोडक्ट आ जाए, फिर आप अपने स्किन पे लगाइए, ठीक है। तो आप अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लीजिए, है ना, फिर आप कोई मेकअप कीजिएगा। मैं तो पूरा लगा लेती हूँ आईज पे, फेस पे और नेक पे, नेक मत भूलिए, ठीक है। तो गाइस ये मैंने लगा लिया, ठीक, और थोड़ा सा आप अपने हाथ पे भी लगा लीजिए जो बच्चा बच्चा, क्योंकि आपने हाथ पे प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर, ये मैंने फेस का कर लिया है, अब हम लगाएंगे कंसीलर। यहाँ मैंने लिया स्विस ब्यूटी का, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा स्विस ब्यूटी का कंसीलर। गाइस क्योंकि ईद का है, बहुत सारे मेरे वीडियोज आने वाले, तो मुझे नहीं आइडिया कि मैं इसका प्राइस लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी। और सी इसको मैं अच्छे से आईज के ऊपर अप्लाई करूंगी, है ना। तो मैं पहले क्या करूंगी, आईज पे करूंगी, क्योंकि मैं ये उन लोग के लिए भी बता रही हूँ जो बिगिनर्स है, सिर्फ फेस्टिवल में यू नो मेकअप करते हैं। थोड़ा सा भीगा हुआ, एंड देन मैं मिरर की हेल्प से कर ले रही हूँ ब्लेंड। आप इसको अच्छे से ऐसे, मतलब रगड़िएगा नहीं गाइज, सी। तो गाइज आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, तब तक ब्लेंड कीजिएगा जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए, सी, कहीं पैचेस ना रह जाए, सी, है ना। आप चाहे तो पाउडर आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पाउडर मत लगाइएगा, जो मैं इसके बाद लगाने वाली हूँ। पाउडर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप पाउडर लगा लेते हैं तो थोड़ा सा कलर ना लाइट हो जाता है, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क ही रहेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पाउडर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बट मैं लगाऊंगी क्योंकि मेरा जो आउटफिट है, सी गाइस जो मेरा आउटफिट है बहुत ही क्रीम में है, थोड़ा सा यू नो व्हाइट में भी नहीं, मैं कहूंगी एकदम व्हाइट भी नहीं है, एकदम क्रीम भी नहीं है, बहुत मिक्स है, ठीक है, सी गाइस, है ना, सी, बहुत प्यारा। इसके बाद हम सेट करेंगे। गाइस आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है तो सेट कर लीजिए, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट भी नहीं है तो आप टेलकम पाउडर का थोड़ा सा लेकर, मतलब हल्का सा लेकर डस्ट ऑफ कर लीजिएगा। ये मैंने लिया है मैबलिन का, ठीक है, करके डस्ट ऑफ
एंड इसको अप्लाई कर लूँ। बहुत मतलब मैं कोई डार्क मेकअप नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा डार्क हो ठीक है, लाइट सा ही बताऊं। आई शेडो पैलेट पहला है के ब्यूटी का, इसका जो शेड है वो है प्योर ब्लूम, और ये है माई ग्लैम का गाइज, इसका जो शेड है वो है हॉट मैस। और कितने का मिलेगा क्या मिलेगा गाइज, ऑलरेडी मैंने माई ग्लैम हॉल बनाया तो आप उसमें से चेक कर लीजिएगा ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ मैं यूज करूँ के ब्यूटी, जरूरी नहीं है अगर मैं के ब्यूटी यूज करूँ तो आप वो ही यूज करें, कोई सा भी पैलेट ले लीजिए, हल्का सा शेड ले लीजिए। तो यहाँ मैं लूंगी थोड़ा सा लाइट, एकदम लाइट शेड, बहुत पिंक है, इसका जो शेड नेम है वो है कोरल, बहुत लाइट सा है ठीक है। और आप क्या कीजिए यहाँ कॉर्नर पे लेके ऐसे रख रख के ऐसे ऐसे हल्का हल्का ठीक है, हल्का हल्का घुमा दीजिएगा, बस हो गया। तो गाइज ये ईद का मेकअप है इसलिए मैं बहुत लाइट सा बहुत हल्का सा कर रही हूँ, क्योंकि आप फेस्टिवल में कहीं पे भी जाते तो बहुत लाइट मेकअप रखना चाहते हैं, शादी वाला मेकअप नहीं, ये बहुत आप हैवी करें, बहुत हल्का सा नेचुरल लुक थोड़ा दे ठीक है। तो मैंने जैसा आप देख रहे हैं मैंने हल्का सा कर लिया, सेम चीज मैं इधर इस कॉर्नर पे भी करूंगी। तो गाइस मैं साथ में करती चलूंगी इधर से ठीक है, बहुत लाइट सा ये मैंने दोनों साइड हल्का सा बेबी पिंक कलर लगा लिया है ठीक है। लेंगे ये माई ग्लैम का छोटा सा हल्का सा, गाइस जैसा मैंने बोला आपको माई ग्लैम का अगर हॉल देखना है जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं माई ग्लैम का बहुत ज्यादा प्राइस बहुत महंगा होता है, बहुत हाई प्राइस होता है, बट ऐसा नहीं है, आप वो वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा ठीक है। तो गाइस हम यहाँ लेंगे थोड़ा सा ये ऑरेंज वाला कलर, जैसा आप देख रहे हैं मेरा जो आउटफिट है उसमें थोड़ा सा ना पीची कलर है, तो मेरे पास पीची कलर तो नहीं है तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑरेंज ले रही हूँ, और थोड़ा सा यू नो बेबी पिंक ऐसा कुछ आउटफिट में है तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर ले रही हूँ इस कलर को। आप कोई से भी आउटफिट पे ये कलर कर सकते हैं, लाइक कोई पिंक कलर का अगर आपका आउटफिट है या थोड़ा सा यू नो न्यूड शेड का है तो आप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो हमने लगाया है ना उसके बीच में, ये जहाँ पे खत्म हुआ है उस पे अप्लाई करेंगे, मतलब हम पूरे पे नहीं अप्लाई करेंगे, सी हल्का हल्का करना, बस एक होता है ना शेडो वैसे आपको देना है, और आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका शेडो लगेगा ठीक है। सी गाइस जैसा आप देख रहे हैं मैं बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ, कुछ तामझाम मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ईद में इतना काम होता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं हल्का फुल्का थोड़ा सा बता दे रही हूँ ठीक। तो मैं यहाँ पे हल्का सा कर ले रही हूँ, जैसे मैंने बोला ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी तभी ये आपका निखर के आएगा ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है गाइस कि ये इसी फील्ड में आप कर सकते हैं, अगर आपको बहुत लाइट मेकअप पसंद है तो आप ये लुक का शादी में भी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी में भी कर सकते हैं, तो कहीं पे भी ये आप ट्राई कर सकते हैं लाइट ड्रेस पे। तो गाइस ये मैंने कर लिया जैसा आप देख रहे हैं, अब ये बचा हमारा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं क्या करूंगी हल्का शिमर शेड है ये थोड़ा सा, और आप कोई सा भी शिमर गोल्ड में, अगर आपके पास नहीं है तो सिस ब्यूटी का आता है एक हाइलाइटर आता है लिक्विड हाइलाइटर, आप वो यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हाइलाइटर आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है आपके पास बजट नहीं है तो वो बहुत ही अफोर्डेबल में आता है आप बाय कर सकते हैं। सी गाइस मैं बहुत लाइट सा इस पे पुट कर दूंगी हल्का सा, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं जैसा मैं बोल रही हूँ, हल्का सा ठीक है, बहुत हल्का सा आप इसको लगा, ये मेरा हो गया। आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा कोई और ग्लिटर ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो एक होता है ना चंकी पार्टिकल्स वाला ग्लिटर वो भी ऐड कर सकते हैं, तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये बहुत लाइट सा कर लिया है, यहाँ मैं यूज कर रही हूँ पेन आईलाइनर, अगर आप बिगनर्स हैं आपको आईलाइनर लगाने नहीं आता, लिक्विड आईलाइनर लगाने के लिए थोड़ा सा मेहनत चाहिए क्योंकि वो जल्दी से लग जाता है सूखता नहीं, तो आप पेन आईलाइनर यूज कर सकते। और गाइज एक चीज और ध्यान रखिएगा, ग्लिटर यूज करते हैं तो जो हमारा आईलाइनर पेन है ना वो थोड़ा सा कम चलेगा, ज्यादा डार्क नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेम चीज मैं इधर लगा ले रही हूँ ठीक है, फिर मैं आपको, मैंने अच्छे से लगा लिया है, अब हम लगाएंगे मस्कारा, पहले आईज का करूंगी फिर फेस। तो गाइज यहाँ मैं लूंगी हाइपर कर्ल मस्कारा, जब मुझे गिफ्ट मिला था तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, अलग से गिफ्ट ही था, तो मे भी हो सकता हो कि अब आ गया हो, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी मस्कारा ले सकते हैं, इसका बड़ा आता है मेन ठीक है।
गाइस अगर आप बिगिनर्स हैं या टीनेजर्स हैं तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल भी मतलब तामझाम नहीं। या फिर आपको एक होता है ना हैवी मेकअप नहीं पसंद, बहुत लाइट सा पसंद है, तो आप ये ट्राई कीजिए। मैंने लगा लिया, बहुत लाइट सा लगाया, आप चाहे तो डार्क लगा सकते हैं। हाँ मैं क्या करूंगी, जो मैंने आई शेडो वाला ब्रश लिया था उसी से थोड़ा सा डार्क शेड जो मैंने पहले स्टार्टिंग में लगाया था यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर पे, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे आईलैश लगा लेंगे। आईलैश लगाने नहीं आता, इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो वो लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। आईलैश से थोड़ा सा डरते हैं नहीं है तो आईलैश कर्लर होता है वो ले लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो मस्कारा आप दो कोट लगा लीजिएगा। तो गाइज मैं आईलैश लगा के मिलती हूँ। तो गाइज ये मैंने लैश लगा ली है जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आईज हो चुका है, आप चाहे तो काजल लगा लें। हाँ मैं ले रही हूँ ये शुगर का काजल जो थोड़ा सा ग्लिटरी है, तो मैं थोड़ा सा ना इनर पे नहीं लगाऊंगी, वाटर लाइन पे नहीं लगाऊंगी, आउटर पे ही लगाऊंगी, सी इनर पे नहीं लगाऊंगी जैसा आप देख रहे हैं। तो ये मैंने लगा लिया। अगर आपको आईलैश नहीं लगाना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं मेरा आईज हो चुका है। बाद हम लेंगे आईब्रोज, अगर आपके पास आईब्रोज पेंसिल है, ठीक है। नहीं है तो ये मेरे पास थोड़ा सा सूखा हुआ मस्कारा था, सूखा ही लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और इसको सी हल्का सा, तो जो सूख जाते हैं मस्कारा उसको आप फेंकिए मत, इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, आएंगे फेस पे। फेस पे भी मैं बहुत ज्यादा तामझाम आपको नहीं बताऊंगी, एकदम सिंपल सा बताऊंगी। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने आईलैश मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है इसलिए मैं लगाई हूँ, अदरवाइज आपको मत लगाइएगा, मैं अगर सजेस्ट करूंगी अगर आप बिगनर्स हैं तो मत लगाइएगा। तो गाइस यहाँ पे अब हम यूज करेंगे ये सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ईद का फेस्टिवल है और हमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है मेकअप रखे रखे रखे, तो गाइस इसलिए मैं सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो कोई भी स्प्रे आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है गाइस तो रोज वाटर को किसी भी स्प्रे बॉटल में लीजिए और ऐसे स्प्रे कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस ये मैंने स्प्रे कर लिया, थोड़ी देर इसको ड्राई होने देंगे। गाइस यहाँ मैं ले रही हूँ ये मैबलिन का प्राइमर, ठीक है। और आपके पास अगर प्राइमर नहीं है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं प्राइमर यूज कर रही हूँ मैबलिन का, हल्का सा यहाँ पे अप्लाई कर लूंगी, ज्यादा बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है। लाइट सा कर रही हूँ मैं, सी बहुत लाइट सा, मतलब आप ऐसा मेकअप कीजिए कि थोड़ा सा यू नो नेचुरल लगे। आप गाइस क्लीन कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या बहुत मतलब मेकअप ज्यादा नहीं करते तो जो आई शेडो और ये सब गिरा रहेगा ना, तो यहाँ पे जो है उसको क्लीन कर लीजिएगा। तो मेरे अभी फिलहाल उतना नहीं गिरा था तो मैंने नहीं क्लीन किया, अदरवाइज आप क्लीन कर लीजिएगा, गले को बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो सी मैं यूज करूंगी बीबी क्रीम। लोग कहेंगे ईद है, ईद में तो थोड़ा सा ज्यादा फाउंडेशन, तो गाइस हाँ मैं दो चीज यूज करूंगी, थोड़ा सा बीबी क्रीम यूज करूंगी बहुत लाइट सा। तो सी ये खत्म ही हो गया लग रहा है, इसमें कुछ बच्चा नहीं। इस कैनेडा का बहुत ही अच्छा होता है, बिगिनर्स हैं या फिर आप ज्यादा फाउंडेशन नहीं यूज करते हैं, कभी कभार यूज करते तो ये आप बाय कर सकते हैं। सी गाइस मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, बहुत हल्के हाथ से इसको अप्लाई कर लीजिए, है ना। आप चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब आपको फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है मैं ना ही लगाऊं तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ऐसे मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। तो गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ये फाउंडेशन, ये है एल्फ का, इसका जो शेड है वो है 300 सैंड, जो न्यूट्रल अंडरटोन के लिए ये है। गाइस ये मेरी जो स्किन टोन है, जो मेरा शेड है उससे थोड़ा सा यू नो एक शेड डार्क है, तो मैं इसलिए बहुत हल्का सा लगाऊंगी, बहुत लाइट सा, बहुत लाइट जैसा आप देख रहे हैं, बहुत हल्का सा। और जहाँ पे आपको पिंपल्स स्पॉट्स ये सब है तो वहां पे थोड़ा सा लगा के इसको हाइड कर लीजिए। अगर आप चाहें तो फाउंडेशन की जगह कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। सी गाइस मैंने ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, सी है ना, सी गाइस बहुत लाइट सा इसको ब्लेंड कर लिया है, नेक पे मत भूलिएगा, नेक को भी अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। गाइस तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लूज पाउडर लेंगे, थोड़ा सा बहुत लाइट सा। सी ये मैंने ना मैबलिन का लिया है, आपको दिखा भी दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था मैबलिन का फिट में, वही डस्ट ऑफ करेंगे और इसे डस्ट ऑफ करने के बाद हम क्या करेंगे, हल्का हल्का, सी बहुत लाइट सा,
ठीक है। मैंने लिया ये माई ग्लैम का पैलेट, ठीक है। ये आपको इसके लिए कितने का लिया, क्या लिया और सेल थी नहीं थी क्या थी, तो ये आपको माई ग्लैम हॉल में पता चलेगा, तो मैं वो लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है। तो गाइस ये तीन है, ये है हमारा ब्लश, ये है हाइलाइटर और ये है हमारा कॉन्टोर यानी कि ब्राउन्जर। तो गाइस हम करेंगे ब्लश, और जिनके पास ब्लश नहीं है वो थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लीजिएगा, हल्का सा काम चल जाएगा आपका, या कोई सा जो आई शेडो पिंक इधर लगाए ना वही लगा लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये लिया, डस्ट ऑफ किया एंड गाइस सी ऊपर अब करके, ठीक है, सी अब करके एंड सेम चीज सी, और ये थोड़ा सा नोज पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ब्राउन ब्रश नहीं लेंगे, मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेके सी डायरेक्ट नहीं, तो गाइस हम ऐसे कर देंगे जैसे आप देख रहे हैं ना, और यहाँ पे हम लगा लेंगे। गाइस इसको आई शेडो ब्रश से भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने लगा लिया, फिर इसको हम क्या करेंगे सी, कर लिया, आप भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैंने कर लिया और मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा नोज पे भी कर लूं सी, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज कोई ब्राउन सा यू नो आई शेडो ले लीजिएगा, उसी से कर लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। और अगर नहीं भी करना तो स्किप भी कर दीजिएगा गाइस, कोई जरूरी नहीं है अगर आप बिगिनर्स है तो, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए बहुत अच्छे से। मैं तो एक ही ब्रश से ज्यादा यूज कर लेती हूँ, अलग अलग ब्रश मेरे पास है नहीं, और अगर रहते भी है तो वीडियो बनाने के टाइम नहीं रहते, तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। तो आप भी एक ब्रश से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारे ब्रश होने चाहिए, है ना। तो सी गाइस जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ यूज करूंगी हाइलाइटर। तो पहले आप क्या कीजिए, हाथ को क्लीन कीजिए, क्लीन करके यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, और यहाँ पे मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, सच में मुझे बहुत पसंद है, इतना प्यारा लगता है ना, मैं भर भर के लगाती हूँ, बट क्योंकि ये डे वाला मेकअप है तो इतना भर के नहीं लगाइएगा आप, ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा लाइट ही लगाइएगा। और आप यहाँ बोन पे भी आप इसको लगा दीजिए। इसको क्या करना है, ब्लेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेट। आपके पास सेटिंग स्प्रे है या फिर मेकअप फिक्सर है जो, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा सूखने दीजिएगा। सूखने के बाद अब हम आते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, वो है लिप्स। तो हमने यहाँ लिया है लिप लाइनर की है मिस क्लेयर का, और सबसे पहले हम करेंगे आउटलाइन। तो गाइस मैंने सोचा मैं शुगर का ये वाला लगाती हूँ, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा है, तो मिनी है बट बहुत ही प्यारा है। इसका जो शेड है वो है स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, तो मेरे होंठ थोड़े से ड्राई है। तो गाइस ये जैसा आप देख रहे हैं ये मैंने लगा लिया, थोड़ी सी डार्क लगाई दी है, और अगर आपको ये डार्क ना पसंद आए तो आप ये लगा सकते हैं, ये है मैबलिन का, इसका जो शेड है वो इजी बेरी है आई थिंक, या इजी बेरी, अगर आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा शेड है सी, मुझे लग रहा है यही लगाना चाहिए था, अप्लाई कर ले रही हूँ इसके ऊपर ही। ये गाइस ये ठीक लग रहा है, मुझे वो ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो गाइज ये लुक जैसा आप देख रहे हैं सी, ये लुक रेडी हो चुका है, और बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा, बहुत ही सिंपल सा, मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लाइट सा है ना,
ईद के लिए मुझे लग रहा है ये परफेक्ट है, बहुत ही हल्का सा पसंद है, बहुत ज्यादा डार्क बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप ये लुक ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये लुक कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर आपको कोई रिव्यू जानना है ठीक है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। तो गाइस आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, जो बेल है उसको हिट करना मत भूलेगा कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा गाइस आपके पास आसानी से पहुंच जाए।